हाय जूडी, वी वांट टू चेक इन। डायना, तुम्हारे कनोपा की सुलह हो गई? सैडली नहीं, कनोपा शर्तें रख रही है। हाँ, वो चाहती है कि हम उसके फ्रेंड्स को अपनी टीम में ले लें, पर ये इम्पॉसिबल है। नास्त्या, डायना, मैं तुम्हारे और कनोपा के बीच सब कुछ ठीक करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। व्हाट इफ आई स्केयर हर बाय एक्सपेलिंग? नहीं जूडी, उसकी जरूरत नहीं है। हम चाहते हैं कि कनोपा अपनी गलती खुद ही समझे। तो उसे डराने की जरूरत नहीं है। डायना, अगर मैं और मोना उसके और उसके फ्रेंड्स के साथ थोड़ा झगड़ा करें तो हम ही कर सकती हैं। और ऐसी भी ज्वाइन करेंगे। गर्ल्स अकेडमी में लड़ाई नहीं। नो गर्ल्स नो फाइटिंग। आई अग्री विद जूडी। हम उसे टाइम देना चाहते हैं ताकि वो अपना मन खुद बनाए। वैसे भी कनोपा हैज गॉट हर प्रायोरिटीज रॉन्ग, सिर्फ अपनी दोस्तों की वजह से। तो वो बस एक बैड इन्फ्लुएंस है, ऐसा होता है। ओए डायना, मैंने तो नहीं लगता, वो तो बहुत वक्त ले रही है। वो कुछ घटिया कर सकती है। तुम्हें जरूरत पड़े तो हमें बताना डायना, किटीज हमेशा हेल्प के लिए रेडी रहेंगे। थैंक्स गर्ल्स फॉर ऑल योर सपोर्ट। हमने इसकी उम्मीद नहीं की थी ऑनेस्टली। हम तुमसे जरूर बात करेंगे अगर हमें कोई भी मदद चाहिए होगी। गर्ल्स, अगर मैंने झगड़े के बारे में एक और शब्द सुना तो ओए, कोई झगड़ा नहीं, ऐसे समझ गए हैं। आई थिंक कभी कभी झगड़ा करना टीनेजर्स के लिए नॉर्मल है, और जो प्रॉब्लम खड़ी करते हैं उन्हें उनकी औकात दिखाना। फिलहाल तो ये प्रॉब्लम सिर्फ कनोपा की है, लेकिन जल्दी ये तुम सब की प्रॉब्लम हो जाएगी। नो नो फाइटिंग जूडी। जूडी, कभी कभी ज्यादा दयालु होना भी गलत है। देखो उसकी काइंडनेस उसे कहाँ लेकर गई। कनोपा उसकी गर्दन पर बैठ गई और अपनी पतली टांगों को लटका दिया। ओए स्किनी नहीं, उसके थाइस तो बड़े फैट हैंगे। मोटी कनोपा। Enough bullying girls, जाओ तुम्हारा भी लेसन है, गो डू समथिंग यूजफुल। हेलो मिस्टर माइक, हेलो फियोना, हेलो। हे लड़कियों, क्या तुमने अपना टेस्ट कर लिया? हाँ, हम आज ले आएंगे। अच्छा ठीक है, भूलना मत। नास्त्या, देखो वो लड़के याद है तुम्हें, जॉब और बॉब, वो जंक इकट्ठा कर रहे थे ना, कनोपा उनके साथ है। उसे उनसे क्या चाहिए, चलो चल के देखते हैं। तो तुम क्या ये टेडी मेरे जैसे सुंदर लड़की को नहीं देना चाहोगे? मुझे ये अच्छा लग रहा है पर स्मेल अच्छी नहीं आ रही। इसे वापस दे दो। So cheap. हम पुरानी चीजें इकट्ठा कर रहे हैं और ये टेडी हमारा मैस्कॉट है। ये टेडी हमारा मैस्कॉट है, तुम्हें ये कचरा क्यों चाहिए, तुम लड़के हो। सुन लो कनोपा को टेडी दे दो, वरना हम तुम्हारा पूरा पूरा काट ले लेंगे। ये हमारी चीजें हैं, तुम हमें ट्राई करके देखो। गर्ल्स काट को ले लो, ये हमारी हैं। बॉब एंड जॉब, कचरा उठाने वाले। कनोपा और उसकी दोस्त में परेशान कर रही है क्या? ये हमारा है, दे दो। वंडर वुमन यहाँ पर है, मुझे उनकी चीज चाहिए, मुझे टेडी अच्छा लग रहा है। कनोपा, आर यू आर रेबल नाउ? तुम्हारे फ्रेंड्स रेबल हैं और तुम भी वही बनना चाहती हो? वी आर बैड गर्ल्स। मैं तुम दोनों की तरह अच्छी और सॉफ्ट बनकर थक गई हूँ। अभी वो हमारे इलाके में खड़े हैं, तो उनकी कार्ड की हर चीज हमारी है। बेचारे बॉब और जॉब। कनोपा, क्या तुम्हें पता है दूसरे लोगों की चीजें लेना गलत बात है? ये लो और हमारे इलाके से चले जाओ, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। यहाँ पर तो पहले से ही बहुत सारे बैड गाइज हैं। गर्ल्स, क्या तुम्हें मदद की जरूरत है? नो, वी ऑलरेडी गॉट दिस। शुक्रिया लड़कियों, तुम लोग बहुत अच्छी हो। और नजरों से दूर रहना, अगली बार मैं टेडी बियर लेकर रहूंगी। नहीं। हाँ, और डायना अपने काम से काम रखना सीखो। ये लड़कियाँ अच्छी नहीं। हाँ, कनोपा अब बुरी है, उसके फ्रेंड्स का उस पर बुरा असर पड़ा। दोस्तों, अच्छा होगा तुम लोग यहाँ से चले जाओ। हाँ, तुम लोग कहीं और कबाड़ी इकट्ठा करो, यहाँ कोई कचरा नहीं है। ठीक है लड़कियों, हम जा रहे हैं। ये तुम्हारे लिए है। हमारी गर्ल्स को गिफ्ट देने की कोई जरूरत नहीं है, हम उनको खुद टेडी दे सकते हैं। ठीक है। Boys, you're too harsh with them. They are cool. बस थोड़ा अजीब है, आखिर वो कचरा उठा रहे हैं। चिंता मत करो थॉमस, कनोपा का रिश्ता तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं। असल में बड़ी बात है, उसने मुझे मिट्टी में मिला दिया। चिंता मत करो, मैं तुम्हें इसे बाहर निकालूंगा। मुझे वो कबाड़ इकट्ठे करने वाले लोग पसंद नहीं है, मुझे लगता है उनका शौक एक डिसगाइज है, लेकिन कौन जानता है उसके पीछे कौन है। किरिल, रिलैक्स, वो बिल्कुल नॉर्मल है, हो सकता है उनकी यूनिक हॉबी हो। ये डायना हमेशा दूसरों के काम में टांग क्यों अड़ाती है? तुमने उसके साथ कुछ किया क्यों नहीं? Did we need to? तुम्हें कम से कम उसे धक्का देना था। हम अगली बार करेंगे। मैंने तुमसे कहा था हमें डायना को उसकी औकात दिखानी होगी। अब इस एकेडमी की क्वींस हम हैं, हम। ऑल राइट बिग, हमें किसी को ढूंढना होगा आज कैफे में हमारी जगह लेने के लिए। कोई नहीं चाहेगा। क्या मतलब है तुम्हारा बिग, क्या तुम मुझे डेट पे नहीं ले जाना चाहते? बेशक, मैं जाता हूँ। उप्स, ये रहे हमारी जगह लेने वाले। हेलो स्वीट कपल। रुको, क्या तुम हमारी जगह वफल्स फ्राई करना चाहते हो? क्या मैं तुम्हें ऐसी लड़की दिखाई देती हूँ जो वॉफल्स फ्राई करेगी? कनोपा, तुम्हें क्या हो गया है? हमें कोई कैफे में चाहिए ताकि बिगोर में डेट पर जा सकें। हम कोई वेट्रेस या कोई बारमैन नहीं हैं। हम क्वींस हैं। सुना, लेट्स गो गर्ल्स।
क्वींस, तो फिर तुम्हारे क्राउन्स कहाँ है? ये हमारी कोई मदद नहीं करेगा, हमें तारीख फिर से तय करनी पड़ेगी। नहीं बिग, हम किसी को ढूंढेंगे आज वॉफल्स फ्राई करने के लिए। नास्तिया समझ नहीं आता कनोपा के साथ क्या किया जाए। She is just not herself anymore. मैं भी शॉक्ड हूँ। डायना, हम उसके पेरेंट्स से कंप्लेन कर सकते नहीं? डायना, कनोपा के बारे में चिंता मत करो, तुम्हारे पास मैं हूँ, तुम्हारा सपोर्ट। केरल, मैं जानती हूँ, लेकिन कनोपा अभी भी मेरी फ्रेंड है ना। नो मैटर हाउ शी एक्ट्स राइट नाउ, आई स्टिल मिस हर, और उसके पेरेंट्स, मैं उन्हें इसमें नहीं खींचने वाली। डायना, तुम बोल रही थी कि तुम उसके पीछे भागना कैसे बंद करोगी, और अब तुम उसके पीछे तड़प रही हो। गाइस, टेस्ट किसने लिखा है, मुझे कॉपी करने दो प्लीज। मैंने किया, लेकिन मैं तुम्हें कॉपी नहीं करने दूंगा। पैरासाइट। मैं लालची नहीं, मुझे तुम्हारी आईब्रोज पसंद नहीं। मेरी आईब्रोज को अकेला छोड़ दो। ये सिंपल है लॉरेन, मैं सिर्फ 100 बक्स के लिए तुम्हारी आईब्रोज बहुत अच्छी बना सकती हूँ। हमने डील की थी कि तुम किसी की आईब्रो नहीं बनाओगी। हाँ, पर 100 बक्स तो 100 बक्स होते ना, मैं कूल टी शर्ट ले सकती हूँ। थैंक्स ब्लॉन्डी, लेकिन 100 बक्स के लिए तो मैं खुद ही ठीक कर सकती हूँ उन्हें, पर उन्हें नॉर्मल बनाना। ओए, नॉट द यूजुअल मोनो ब्राउ। मार्टिन, क्या तुमने मेरा टेस्ट किया? मुझे आज उसे सबमिट करना है। भूल गया। ओ डैम मार्टिन, तुम अपने बालों को कर्ल करना तो नहीं भूले? डायना, इसने टेस्ट नहीं किया। वेल, नास्तिया, लगता है आज हमें बुरे ग्रेड मिलने वाले हैं। फाइन, ठीक है कनोपा, ये कनोपा वो, लेकिन हमें पढ़ाई भी तो करनी है। फाइनली मैंने तुम्हें कुछ स्मार्ट बोलते हुए सुना। दोस्तों देखो, मुझे एकेडमी के मैदान में कौन मिला, ये दोनों कूड़ेदान में झांक रहे थे। माइक, हम उन्हें पहले से ही जानते हैं, वो है जॉब और बॉब। तब तो अच्छा है, अब मैं पुलिस को बुलाता हूँ, हमें जाने दीजिए। मिस्टर माइक, पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं है, ये नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बस घूम घूम के चीजें इकट्ठा करते हैं। हाँ हाँ, वो चीजें लड़कियों को देने के लिए, ये इन पर डोरे डाल रहे थे। बॉयज हाय। मूडी, क्या तुम्हें सच में इनमें से एक पसंद है? तुम हमारे मैदान में नहीं घुस सकते, और तुमने ऐसा क्यों किया? हर जगह अलार्म लगे हुए हैं, हम नीचे के रास्ते से आए। हम लोकल हैं, हम यहाँ की हर चीज जानते हैं। हाउ स्वीट, लगता है जैसे हमारे ग्राउंड पे अब मोल्स हैं। नहीं, तुम समझ नहीं रही हो, हम सीवेज के बारे में बात कर रहे हैं। हम वहाँ के हर चूहों को जानते हैं, तुम चाहो तो हम तुम्हें दिखा सकते हैं। सुनो तुम लोग तिलचट्टो, जब तक क्लास चल रही है तुम लोग बाहर जाकर हॉल में बैठो, मैं तुमसे क्लास के बाद मिलता हूँ। मिस्टर माइक, यू आर बीइंग टू हार्श ऑन देम। अब मैं समझ गई मैं अपना वीकेंड कैसे बताऊंगी, ये दो टिड्डे मुझे अंडरग्राउंड रास्ते बताएंगे। ब्लॉन्डी, हम कैट्स हैं, रेट्स नहीं। मोना, पर ये एक एडवेंचर है। ब्लॉन्डी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आई वांट दैट पनामा हेड बॉय टू शो मी अराउंड। मूटी, क्या तुम पागल हो? वो तो कितना सोना है गजी, बिल्कुल मेरे वर्गा। तो हाँ, डायना और नास्तिया, तुम्हारे टेस्ट कहाँ है? मिस्टर माइक, यू स्मेल सो गुड। हम अपना टेस्ट असल में रूम में भूल गए। नहीं, हमने एक्चुअली वो नहीं किया है। नास्तिया, सच बोलना बेहतर है। हाँ तो ठीक है, डायना और नास्तिया क्लास के बाद टेस्ट देने के लिए रुकेगी। डायना, क्या नो मूवी नाइट टुडे? तो फिर सुनो झूठी, क्या तुमने फेरोमोन्स परफ्यूम लगाया है? क्या? मैं देख रही हूँ कि माइक सिर्फ तुम्हें ही देख रहा है। अगर ऐसा है तो हमें कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कस करना है, हम दोनों एक ही एकेडमी में काम कर रहे हैं। सुनो, माइक मेरा बॉयफ्रेंड है, अगर मैंने उसे तुम्हें घूरते हुए दोबारा देखा तो मैं तुम्हारे कोट को कई पीसेस में काट दूंगी। फियोना, मुझे डराने की कोशिश मत करो, बेहतर होगा जाके किसी को ट्रेनिंग दो। याद नहीं लास्ट कब किया था? मैंने तुम्हें फोन कर दिया, यू चेक। हेलो जोडी। कनोपा, मैं तुमसे बात करना चाहती थी। उसको क्या चाहिए? पता नहीं, मुझे याद नहीं कि मैंने कुछ बुरा किया हो। हाँ जोड़ी, मैं ध्यान से सुन रही हूँ। कनोपा, you need to make up with Dinah and Nastya. You're acting disgusting. तुम भी जोड़ी, मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या करना और क्या नहीं, मैं अपनी मर्जी से सब कुछ करती हूँ। तुम्हारी दोस्तों को तकलीफ हो रही है और तुम यहाँ ड्रामा करते फिर रही हो। मैं अलग नहीं दिखना चाहती, मैं चाहती हूँ कि मैं इस एकेडमी में सबसे कूल लगूं और मेरे फ्रेंड्स भी, है ना? कनोपा, तुम कूलेस्ट थी जब तुम बनीज के साथ थी, और अब तुम सिर्फ कूल बनना चाह रही हो अपनी दोस्तों को हर्ट करके। छोड़ी, तुमसे किसने कहा कि वो हर्ट हुए हैं? डायना और नास्ते इतनी जल्दी हर्ट होने वाले नहीं हैं, वो बस पब्लिक के सामने नाटक करके रो रहे हैं कि हमें सहारा दो, हम परेशानी में। वो आंसू सिर्फ पब्लिक के लिए नहीं थे, उन्हें सच में बहुत दुख हुआ है। ओके, मैं ये सुन सुन के थक चुकी हूँ, गर्ल्स चलो कैफे में चले और एक अच्छा कैपुचिनो पिए। तुमसे बात करना कनोपा बहुत मुश्किल है। गी गी, बिग हाय। हमारे लिए कोको।
गर्ल्स, आज मैं भी क्लासेस के बाद तुम्हारे साथ रुकूंगी। मुझे भी टेस्ट में परेशानियां हैं और मेरा स्कोर बहुत लो है। ब्लॉन्डी, मैंने तुमसे कहा था पढ़ो। मैं कैसे पढ़ सकती थी, मैं कल मैनिक्योर के लिए गई थी। देख, मुझे पता है हमारे बदले आज यहाँ कौन रुकेगा। मोना और ब्लॉन्डी नहीं, डायना और नास्तिया। तो आज ना नास्तिया, हम होली ट्रिनिटी होंगे। राइटिंग टेस्ट आफ्टर क्लासेस। You know what, Dina? I don't mind. मुझे उस सब्जेक्ट में बुरे स्कोर्स नहीं चाहिए। Dina और नास्तिया, तुम लोग कितने काइंड हो। तुम बहुत अच्छे हो। आज हमारे बदले कैफे में बैठो प्लीज, हमारी डेट है। ओह, मैं एक बारमैन और नास्तिया एक वेट्रेस। कूल गर्ल्स, तुम लोग ये कर सकते। वफल की रेसिपी बार स्टॉल में है। तुम और नास्तिया जो भी कहोगे मैं वो मानने को तैयार हूँ। प्लीज हमारी मदद करो। ओके, हम मदद करेंगे। लगता है जैसे अपना कोको आज हम खुद ही बनाएंगे। बिग और गिगी, जाओ अपने डेट पर। थैंक यू। तुम बेस्ट हो। ब्लॉन्डी और मोना, बिग और गिगी की जगह आज हम लोग हैं। वॉफल्स चाहिए क्या? नहीं, सिर्फ केक्स। और वैसे गर्ल्स, ये एप्रन तुम पे काफी सूट कर रहे हैं। एक्चुअली मुझे एक सैलेड चाहिए। नास्तिया, मैं सैलेड बनाती हूँ और तुम सर्व कर देना। ओह वाओ, नास्तिया द वेट्रेस। हेलो, तुम लोग क्या लोगे? कैपेचिनो। देखो आज हमारी वेट्रेस कौन है? नास्तिया, डायना और क्या तुम बारमैन हो? बरिस्ता, मैं तुम्हारी टेस्ट के हिसाब से बेस्ट कैपेचिनो बनाने की कोशिश करूंगी। ओह डैम, क्या हम सच में कनोबा और उसकी दोस्तों को सर्व करेंगे? हाँ, वो हमारे क्लाइंट्स हैं अभी। गर्ल्स, अभी हमारा चांस है डायना और नास्तिया का मजाक उड़ाने का। हाँ? अब मैं जो कहूँ वही करना। आई एम श्योर कनोबा अब कुछ घटिया करने वाली है। अगर वो करेगी तो हम उससे बताएंगे। क्या तुमने सुना नहीं जूडी ने क्या कहा था? कोई झगड़ा नहीं। नास्तिया, कम ऑन। मैं ये नहीं कर सकती, मैं नहीं सर्व कर सकती इनको। पीछे नहीं हट सकते। तुम्हारा कैपेचिनो। इट्स डिस्गस्टिंग। तुम्हें कैपेचिनो बनाना सिखाया भी है? ये कैपेचिनो बकवास है, नया बनाओ। कनोबा, तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम सच में पूरी पागल हो गई हो? नहीं, बात बस ये है कि अब मैं इस एकेडमी की क्वीन हूँ। डायना, मेरे एक फ्रेंड्स के लिए नए कैपेचिनो, इन्हें ये पसंद नहीं आया। क्या हुआ? डायना, वो बुरे बन रहे हैं, उन्हें तुम्हारा कैपेचिनो नहीं पसंद आया। ठीक है, मैं एक और कैपेचिनो बना देती हूँ, लेकिन इस बार नमक के साथ। हो सकता है उन्हें कैपेचिनो नमक के साथ पसंद आए। ओह, मेरा कप नीचे गिर गया, ये कॉफी साफ कर दो प्लीज। हम ऐसे गंदे टेबल पे तो बैठ नहीं सकते ना। डायना, मैं इनको। नास्तिया ठहरो। कनोपा, क्या तुम्हें पता है कि सोलर प्लेक्सस कहाँ है? क्या? बस टेबल साफ करो डायना। फाइनली डायना जवाब दे रही है। हाँ डायना, बिल्कुल सही, मैं भी तुम्हारे लिए कर सकती हूँ। कनोपा, तुम ये सब बंद कर सकती हो, क्योंकि मैं थोड़े रूल्स ब्रेक करके तुम्हारी पिटाई जरूर कर सकती हूँ। ओ, तुमने सुना, बरिस्ता अपने क्लाइंट्स को धमकी दे रही है। तुम क्लाइंट्स नहीं हो, तुम लोग बुलीस हो। इस कैफे से बाहर निकलो। तुम्हारे लिए कोई कैपेचिनो नहीं। कनोबा, हम क्या करें? हम कंप्लेन बुक में इनके लिए एक बड़ा सा रिव्यू लिखेंगे कि इन्होंने कस्टमर्स को सर्व नहीं किया और उन्हें धमकी भी दी। डायना, हमें एप्रॉन पहन के ये करने के लिए मानना नहीं चाहिए था। हमें नहीं पता था कि कनोबा और उसकी फ्रेंड्स यहाँ आएंगी और इतनी बुरी तरह यहाँ बिहेव करेंगी। जूडी, क्या तुमने पुलिस को बुलाया? हाँ, जल्दी कॉल करो, बाहर के लोग खुश आए हैं। लेकिन मिस्टर माइक, क्यों? आखिर उन्होंने किया क्या है? ये अंदर आए इतना ही काफी है। लेकिन उन्होंने कोई जुर्म तो नहीं किया है, वो तो सिर्फ पुरानी चीजें ही इकट्ठा करते हैं। हाँ, हम यहाँ फिर से नहीं आएंगे। पुलिस को मत बुलाओ। अपना मुंह बंद रखो, यहाँ क्या होगा ये तुम नहीं डिसाइड करोगे। माइक, जूडी, तुम पुलिस को बुलाओ। ओ, ये लोग फिर से पुलिस के आने का इंतजार कर रहे हो? उन्हें जाने दो मिस्टर माइक, वो पत्तों की तरह हिल रहे हैं, उन्हें देखो। सच पूछो तो इन्होंने कुछ गलत नहीं किया। फियोना, हमें उन्हें जाने देना चाहिए। नहीं, हमें जरूर पुलिस को बुलाना चाहिए। जूडी, तुम पुलिस को बुलाओ। मिस्टर माइक, आप जाके टेस्ट चेक कीजिए, मैं बॉयज से खुद ही निपट लूंगी। माइक चलो, इसे हैंडल करने दो और तुम दोनों पुलिस का वेट करो। तो अब क्या तुम वाकई पुलिस को बुलाओगे? हमने कुछ नहीं किया, हम प्रॉमिस करते हैं। जूडी पुलिस को नहीं बुलाएगी, है ना? ऑफ कोर्स नहीं। जाओ बस यहाँ से, मैं माइक से कह दूंगी कि इशू सॉल्व हो गया है। तुम अब जा सकते हो। क्या देख रहे हो? जल्दी करो, जल्दी करो, अब जाओ। बचपन में मैं भी ट्रैश कलेक्ट करती थी। दैट्स प्रीटी इंटरेस्टिंग। क्या? एंड यू नो व्हाट बॉयज, मुझे लगता है तुम सबको भी ट्राई करना चाहिए कलेक्टिंग ट्रैश। नहीं। हाँ बिल्कुल, चलो अकेडमी के सारे जंक निकाल कर लाओ तुम। दोस्तों, क्या फिर से पुलिस? नहीं, कल तुम हमारे लिए अकेडमी के आसपास का कचरा इकट्ठा करोगे। तुम लोग अकेडमी से सारा कबाड़ निकाल दो। हमें इसके लिए परेशानी नहीं होगी। चिंता मत करो, इसका हम ध्यान रखेंगे।
बॉयज हम टेस्ट के लिए जा रहे हैं। तुमने एप्रन क्यों पहना? ओह एग्जैक्टली, हम काम कर रहे थे कैफे में आज गिगी और बिग की जगह। कनुपा ने आज कैफे में सच में हमारा बहुत दिमाग खराब किया। कल हम अपने कैपुचिनो के लिए वापस आएंगे। देख लो मैं उसे तंग आ चुका हूँ। हम सच में इसे तंग आ गए। कबाड़े इकट्ठे करने वाले कल अकेडमी की सफाई करने जा रहे हैं। कूल, उनसे दोस्ती हो गई। एनीवेज हमें अभी जाना होगा बॉयज, हमें लो स्कोर्स नहीं चाहिए। टेस्ट के बाद मिलते हैं। गुड लक गर्ल्स। गाइस हम अब टेस्ट के लिए जा रहे हैं, सो विश अस बेस्ट लक। वीडियो कीजिए लाइक, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, दबाइए बेल आइकन और वेट कीजिए हमारे कूल सीरीज का। जब तक के मिलते हैं हम दोबारा। बाय।